लेकिन टोटा जिस इंसान में टोटा आ जाता है सब कुछ भगवान को समर्पण करके और वो नरसिंह शेठ जी बाबा जी बन जाता है और आनंदी की लड़की की शादी का निमंत्रण आ जाता है तो देखना 16 साधुओं को साथ लेके जब सरसागर में पहुंचा तो लुगाइयों का टोल बंद किया है। एक के सामान अर्थ में लाए के सामान अर्थ में लाए देखकर चली लुगाई और पल्ला ठा के देखा तो कुछ मोटे दिए देखा जी। जब जाकर नंदी तो बताया नंदी तय भाती को ना बाबा जी आ रहे हैं तो हरनंदी छो में मर जाती है और अपने बाप नरसिंह शेठ को तरह तरह के ताने देती है लेकिन वो तो भगवान को समर्पण था उसकी बातों को बुरा नहीं मानता। वो जगत शेठ नरसिंह शेठ जब एकदम लाचार हो जाता है तो परमात्मा का याद करता है मालिक आज तुमने कैसा मेरे को क्या दिखाया देखना कैसे सवाल जवाब सुनना ज्ञान संस्कृति के एक एक शब्द का बोल सुना कैसे होता है। एक बात बता के इन पांच सात बाबा जी अपने साथ में ले गए तू अपनी बेटी के द्वारे पे आ गया इतना बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे शर्म कैसी ये बाबा जी नहीं ये तो बाबा जी के रूप में साक्षात परमात्मा का रूप है। अरे नंदी तेरा तो भाग उजल हो गया चुप कर कि तेरे द्वारे के ऊपर साधु रूप में भगवान आए हैं। देखिए ये थारे पर के साधु तेरा पूरी अपनी जिंदगी नष्ट कर ली पूरा घरबार नष्ट कर दिया और ईब अपने आपने भगवान बता अरे ज्ञान हो गया मेरे को जिनका ज्ञान हुआ था छोड़ चले रसदाने मैंने सब कुछ मालिक को समर्पण कर दिया लेकिन एक बात बताऊं अरुंधी। हाँ बता। आज मैं भात भरने के लिए नहीं तो? आज मैं ये देखने के लिए आया हूँ जो कि तेरे भाई नहीं थे पटड़े के ऊपर खड़ी लगाती आज मैं मालिक का साक्षी मान के आज तेरे द्वारे के ऊपर यूं आया हूँ। देख पिताजी सारी दुनिया ने बेरा है कि हरनंदी का कोई भाई नहीं है। अगर भाई नहीं है तो भाती कौन आओगा मने इस बात का कोई दुख नहीं था लेकिन दुख अब है कि तेरे आन का मेरी बेइज्जती करवा दी। मतलब मेरा आन तो तेरी बेइज्जती होगी। बिल्कुल बेइज्जती होगी। अरे याद कर उस दिन को जब मैं नरसिंह शेठ था बड़े लाजदार क्षेत्र को शीर्षागढ़ में प्रणाई थी अच्छा। मैं तेरा बुरा नहीं मानता तू माया के वश में दौलत के वशीभूत होके मेरे को ये बात बोल रही। देखिए पिताजी मैं आपका कुछ नहीं लेना चाहती ना मैं बात करवाना चाहती अपने इन बाबा जी ने अपने साथ में ले और पूरे तब वापस। अरे नंदी अरे मैं तेरा बुरा नहीं मानता मैं तो कोसता हूँ मनसा सेठ को 11 करोड़ की 11 दजा जब मेरे पास सब कुछ था जब इसने बात नहीं कराया 11 करोड़ की 11 दजा जब फर्चा करती तुम्हारे। अरे जब क्यों ना भात पर आया मनसा ईद क्यों जबन हो जाए। देखिए पिताजी आप कुछ भी बोलो लेकिन मैंने आप तक कोई मतलब नहीं ना मैं भात भरवाना चाहती ना आप तक कुछ लेना चाहती आप यहाँ से वापिस चले जाइए। अरे नंदी ऐसा मत बोल इंसान टोटे में हो जाता तो उसके तन के वस्त्र भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। माया तेरे तीन नाम परसु परसा परशुराम और टोटा तेरे तीन नाम लुच्चा गुंडा बेईमान। आज मेरे पास कुछ नहीं था मेरे को दुदकारती है पहले तो तू ये बात बता और फिर मेरी सुन। सुन ले हो तू अभी अड़े ते चल्या जा जो मैं कहूँ वो आप करो बता कैसे हो तू अभी अड़े ते चल्या जा जरूरत तेरी हिम्मत धमका है लाटो हिम्मत की तकदार है मेरी तू अड़े चल्या जा मन नहीं जरूरत तेरी हिम्मत धमका है लाटो हिम्मत की तकदार है मेरी Oh,
भेस में होता तो मना करे तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन तू ये बाबा जी का भेस धारण करके अपने मोटर में साथ में लेकर आ गया कि तेरा बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तेरे को पता नहीं है भेस कैसा है, पूछ कैसी है। शर्म कती ना आई, ये संतों का बड़ा व्यक्ति के इस मैत्री बुलाई, वो इस बण में आके करवा दी लोग हसाई, ये लोग हसे ते फर्क नहीं बड़ा खुश कहिए ना बुराई, ये लोग हसे गले ओ बाबू हो पिताजी, अगर तू नहीं आता तो मेरी बेइज्जती नहीं होती। अरे ब्याह में भाती, ब्याह में चाहे करोड़ रुपए लगा दो लेकिन जिस ब्याह में भाती नहीं हो ब्याह खंडित माना जाता है। देखिए आप जैसे भाती ने देख के ही लुगाई मेरे ताना मारने लगी। ए लुगाई ताना मारी, अरे नंदी तेरी बात बता, फिर तेरे को आज ऐसा भात भर के संसार के अंदर ना तो किसी ने भरा और ना कभी आगे भरने की उम्मीद। लेकिन पहले तेरी बात बता सुनिए, खोटा समय फुहा के व्यक्ति तू आपके न खोती, यो खोटा समय फुहा के व्यक्ति तू आपके न खोती, ना छोटी में बोलने जोगी, ना छोटी में बोलने जोगी, तनखा धरती में तेरी ये ना बिगड़ी का बोलना डिगी, ये हो तू अभी अरे मैं चल्या जा मन नहीं जरूरत तेरी, मत घबरा बना दो मत इज्जत तार तेरी। हरनंदी का कोई बात आई नहीं है, मैं उसका बात भरूंगा, लेकिन नू बता दे तू बात भर खातर आ तो गया पर तू देगा के। अरे पैसे की नहीं होती, पैसे से इंसान की पैसे से भाती की कदर नहीं होती, तो भाव का भाती होया कर कदे होता नहीं दाम का। अच्छा भाती तो पाटने के ऊपर होना चाहिए पैसे से कोई। मेरे ससुरा मनसा सेठ ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिख रखी है। चिट्ठी चिट्ठी तो बड़ी भारी लिखे सुनिए लोगों,
लेकिन कागज कलम दबात भात का हाल लिखा ला गया। पंडितों की बातें देखना, सबसे पहले श्लोक लिखा, स्वस्ति सिद्ध श्री स्वरूप, स्वस्ति सिद्ध श्री स्वरूप परम पवित्र गंगा धार, शीतल दमना जल लिखा जूनागढ़ सतका व्यापार, और नरसी में दसम दी लिखा बार बार नमस्कार। जूनागढ़ को अच्छा जो कुशल से बाल चाल, छह भाई से नरसी जी का और बाल गोपाल, सभी को निमंत्रण लिखा फिर लिखा ब्याह का हाल। हरे है दर्शन की सात बात में प्रेम भरन लग गया, अड़ता है तो ठीक लेकिन अगट ईमान रख दी कि नरसी सेठ उसको लेके आना जिसके ऊपर तुमने सबको समर्पित कर दिया। जितने नारी नर नगरी के और अरनंदी की लड़की की शादी की तिथि देखना पंडित जी ने कैसे दर्शाया, सच्चाई प्रमाणिक बात है, रुकना नहीं सकता। जितने नारी नर नगरी के सब ने है दर्शन की आस, सावण सा को संग में लाना कहा हो तुम जिनके दास, और फगुन सुदी चौथ के फेरे सोमवार का दिन है खास। चुल्ली बाड़ी और बिछवे, चुल्ली बाड़ी और बिछवे रतन जड़ी जड़ाई चाहिए, समी और समधन की खातर मणियों की मिलाई चाहिए, थान लेकर रेस में एक चुंदड़ी शिली सलाई चाहिए। जुड़े शेठा की पंचायत रात दिन जगर चलन लग गया, ले कागज कलम लवात भात का हाल लिखने लग गया। अरे नंदी, अरे वो चिट्ठी मिली मेरे को, अच्छा चिट्ठी के मुताबिक जो भी मनसा शेठ ने लिखा हमारा सवाल मिलेगा तुम, लेकिन मेरी इज्जत मत उठा है, पता कैसे सुनिए। क्योंकि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता, मात पिता की सेवा भी इंसान लखपति करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन जिसके पल्ले भगवान का भजन और माँ बाप की सेवा नहीं उसका जीवन बेकार है। मात पिता की सेवा बिन महान नहीं हो सकता, साधु संत के भजन बिना सीधी ध्यान नहीं हो सकता, वेद शास्त्र पढ़े बिना विद्वान नहीं हो सकता, और सतगुरु की ठोकर लागे बिना कदम ज्ञान नहीं हो सकता। श्री लक्ष्मी चंद कर ध्यान उड़े, श्री लक्ष्मी चंद कर ध्यान उड़े लाया था ज्ञान जड़े थे, और तुम आए बनना चट की भी दूर लड़े थे। अरे नंदी, अरे चौथी कली का वर्णन दे क्योंकि मैं गुरु का चेला हूँ। सुनिए पिताजी मेरी बात, ए रज्जिस
इज्जत कटती हो बाती नहीं काम का ये भाव का बाती होया करे कदे होता नहीं काम का ओ जुगा गुजरे वो जमसला यो दादा हरे राम का वो कर्म पाले मंत्र केले गुरु जय शिव के नाम का सन्यासी धन माया की क्या करती डुबाड़े अरे नंदी अरे बात सुन कवियों की कल्पना सुन उन कवियों की कल्पना जिनको सुनने के लिए बुजुर्ग 20-20 कोस पैदल जाया करते थे के कस है तरह हो सन्यासी धन माया की कर ली डुबाड़ेरी अरे मैं तो वो अरे मैंने तो वो मुकाम हासिल कर लिया लेकिन नंदी एक दिन तू भी जाएगी इस संसार से जाएगी खाली हाथ जाएगी तेरे पल्ला कुछ नहीं पाओगा क्योंकि आज तेरे को माया का गुमान है लेकिन काल तेरे को नहीं बख्शेगा। अब दीव प्रब्रह्म हमर के जब मानव रूप धारण करके अगर परमात्मा भी आगे तो उनको भी जाना पड़ेगा। अब दीव प्रब्रह्म हमर के अनस छोड़ कर ताल मरे 60,000 सगड़ के बेटे हंगा कर बेकाल मरे कंस कुकर्मी मान्या को ने उगल सैन के लाल मरे और श्री कृष्ण ते बैर लगाकर दंत बकर शिशुपाल जिन्हें तीन कदम में धरती नापी तीन कदम में धरती नापी वो छलिया वामन मर गया और कुछ दिन पर चल लोग कहेंगे लक्ष्मी से नवाब मर गया। जोरदार तालियां ओ जिस ताई जत घटती हो रे रे जिस के मुसाफिर रात के मुसाफिर